मार्वल स्टूडियो में 12 से 14 फरवरी तक चलने वाले 3 दिवसीय 7वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का दूसरा दिन मीडिया जगत के छात्रों के लिए बड़ा ही प्रेरणादायक रहा, क्योंकि इसमें पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए नामचीन हस्तियों ने शिरकत करते हुए अपने विचारों को रखा और छात्रों को प्रेरित भी किया। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सईद अंसारी, सीनियर रेडियो कॉमेंटेटर कुलविंदर सिंह कांग, रिचर्ड ए वेरना, इंचार्ज अफेयर्स एम्बेसी ऑफ पनामा, मिशेल एरॉन हाई कमीशन ऑफ घाना, केएल गंजू काउंसिलर जनरल ऑफ कॉमरोस, सुनील डांग, पॉल सॉन्ग, ऑनिल ओका सहित कई गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम पत्रकारिता के वर्तमान स्वरूप पर मंथन करने के लिए आयोजित किया गया था और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने कैरियर को एक नया आयाम देने वाले छात्रों के लिए यह एक ऐसा मंच था जिसमें वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर अपने आप को परिष्कृत कर सकेंगे। प्रसिद्ध रेडियो कमेंटेटर कुलविंदर सिंह ने कहा कि आज वर्ल्ड रेडियो के मौके पर बच्चों को संबोधन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्वसनीयता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है और समाज के प्रत्येक पहलू पर नजर बनाना एक पत्रकार की नैतिक जिम्मेदारी है। सईद अंसारी ने कहा कि पत्रकारिता में आने से पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ हर पल कुछ नया होता है। उन्होंने पत्रकारिता के बच्चों को सफलता के मंत्र भी बताए। उल्का ने दो बातों पे बच्चों बहुत ज्यादा जोर दिया है, हम उसी से शुरू करना चाहते हैं, नॉलेज और दूसरा क्या था बताओ? कुछ नहीं सुनते हो, गांव में बड़ा तालियां बजा रहे थे, वो तो बात की बात है। कंटेंट कौन बोला? वेरी गुड, ध्यान से यही दो चीजें हैं और ये एटीट्यूड बिहेवियर वो सारी बात में। अगर हमें एक अच्छा पत्रकार बनना है, अगर हमें अपने राष्ट्र को अपने समाज को बेहतर करना है, ठीक करना है, उनमें व्याप्त कुछ बुराइयों को दूर करना है, और एज ए जर्नलिस्ट अगर हम अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम आए हैं तो देश को सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएंगे, तो हमें यही करना है। इस सबसे पहले तो स्टूडेंट रहते हुए जबरदस्त नॉलेज होना चाहिए। ICMAI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा ने कहा कि मारवा स्टूडियो भारत का एक ऐसा संस्थान है जहाँ जर्नलिज्म के लिए फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यह दुनिया का दूसरा और भारत का पहला ऐसा संस्थान बनने का कीर्तिमान हासिल कर इस क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है। संदीप मारवा एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के नए कोर्स की शुरुआत के बारे में भी चर्चा की। AFT निरंतर नए नए कोर्स की शुरुआत करके युवाओं को अपने कैरियर को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर दे रहा है। Exactly when we decided 26 years back, 21st June, as the International Yoga Day. I still remember, nobody believed in us. People thought we are again crazy. And who are we to decide the day for yoga? But now I need not to say that the whole world is celebrating 21st June as International Yoga Day. Now it's been 8 years we've been pumping this date to the whole world of journalism as International Day of Journalism, and I'm happy that
many organizations all over India and abroad have actually started celebrating 12th February as the International Day of Journalism. To mark respect to our own decision of 12th February, we decided to have a celebration by way of organizing a festival, and to our own good luck, 13th always been a World Radio Day. Today is a World Radio Day, and 14th is the Valentine's Day. So all together we joined these 3 days and started celebrating Global Festival of Journalism. And I'm so happy that yesterday we opened the 7th edition of this festival, and today is the 2nd day. My heartiest welcome to this great international show by journalists from all over India and from many parts of the world. Thank you very much for your gracious presence here. I'm so happy that today, like yesterday, we have so many international guests right here on the dais, and I'm sure you must be anxious like what I am today, eager and a little excited to listen to them, to listen to their ideas, to their observations as far as journalism is concerned. There are times when most of these important people, they may be on a very high post, they may be internationally acclaimed masters, but somewhere down the line, they must have gone through journalism as a part of their business, part of their profession, or maybe they've been working in this beautiful world of media. ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस का पोस्टर भी लॉन्च किया गया और बताया गया कि रेडियो संवाद का सबसे पहला माध्यम बना और आज भी इसकी उपयोगिता को कम नहीं आंका जा सकता। रेडियो के बारे में कहा जाता है कि सूरज के बाद सबसे ज्यादा रेडियो तरंगे हैं जो पूरी दुनिया को कवर करती है। रेडियो में किसी भी आपदा के समय या विषम परिस्थितियों में सूचना को सुचारू रूप से संचालित करने की क्षमता है। Let's give a round of applause for a World Radio Day. इस कार्यक्रम में डिजिटलाइजेशन बढ़ते दौर को ध्यान में रखकर बच्चों द्वारा बनाए गए डिजिटल न्यूज़पेपर एग्जीबिशन भी लगाया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए सभी गणमान्य महानुभावों ने अपने अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया और साथ ही साथ पत्रकारिता की विसंगतियों एवं उपयोगिता पर व्याख्यान देते हुए कहा कि हमें नकारात्मक चीजों के साथ सकारात्मक चीजों को दिखाकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि समाज पर अच्छा प्रभाव पड़े, समाज विकासात्मकता की गति की दिशा में आगे बढ़ सके। पहली पत्रकारिता में जर्नलिज्म जो पहले था उसमें ईमानदारी थी, उसमें कलम की ताकत इतनी होती थी कि कोई भी खबर अगर छपती थी तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन होता था कि उस जर्नलिस्ट की कलम की जो ताकत थी वो एडमिनिस्ट्रेशन को या पॉलिटिशियन को या किसी को भी मजबूर कर देती थी एक्शन लेने के लिए। आजकल मैं ये नहीं कहूँगी सारी जर्नलिज्म ऐसी हो गई है, लेकिन कुछ जर्नलिस्टों ने अपने ही प्रोफेशन को दागदार करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आज लोगों में विश्वास थोड़ा कम हो रहा है। तो मैं अंदर जो बोला वो यही बोला कि एक जर्नलिस्ट को अगर अपने जीवन के अंदर नाम कमाना है तो उस जर्नलिस्ट को सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो जर्नलिस्ट सच्चाई के साथ चलता है उस जर्नलिस्ट को पब्लिक भी बहुत प्यार करती है और एक समय आता है जब उसको सरकार भी बहुत इज्जत देती है। देखिए मीडिया के दो मेन हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक में सभी आ जाता है, टेलीविज़न भी आ गया, रेडियो भी आ गया, प्रिंट में अखबार आ गए, मैगजीन्स आ गए। तो मैं समझता हूँ कि रेडियो की रीच जहाँ, अभी मैंने पहले जैसे बोला था कि जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ रेडियो पहुँच सकता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 2001 भुज में जो भूकंप आया था, उस वक्त सभी
मोड ऑफ कम्युनिकेशन ध्वस्त हो गए थे। इवन BSNL भी नहीं था, वहाँ टेलीफोन भी नहीं थे, केवल एक रेडियो ऐसा माध्यम था जो अपनी बात पहुँचा रहा था लोगों तक। कितने लोग जीवित बचे हैं, कितने लोग अपने घर वालों को संदेश देना चाहते हैं, या उनके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, ये सारी बातें वो रेडियो के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि रेडियो जन जन तक है, गाँवों तक है, लोग रनिंग में आप उसको देख सकते हैं, आपको समय नहीं उसके लिए लगाना पड़ता है, टेलीविज़न में आपको सामने बैठना पड़ता है, यहाँ पर रेडियो में आप इत्मीनान के साथ गाड़ी चलाते वक्त भी सुन सकते हैं। इसमें एंटरटेनमेंट भी है, इसमें समाचार भी है, और ज्ञान, मनोरंजन और समाचार तीन इसके वो मेन है। तो मैं समझता हूँ कि रेडियो की जितनी इंपॉर्टेंस है और ये हमेशा रहेगी। पहले ऐसे लगता था जैसे टेलीविज़न आ गया तो शायद अब रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, पर मैं समझता हूँ कि रेडियो हमेशा रहेगा, रेडियो की इंपॉर्टेंस कभी ख़त्म नहीं हो सकती, रहती दुनिया तक रेडियो रहेगा, और ये सबसे सस्ता और आसान साधन है लोगों तक पहुँचने का। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेट्स एवरीबॉडी ऑफ यू बिकॉज यू आर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इवेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ ग्लोबल इवेंट। यू आर पार्ट ऑफ द this kind of profession, very sacrifice. A few minutes ago, I had the opportunity to share with the next generation of biggest journalists around the world. That's what you are, okay?